बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट फहद अल्ताफ प्रोग्राम रोज़नामचा आपके साथ। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि हम अपने प्रोग्राम में अवामी मसाइल को उजागर करते हैं और कोशिश करते हैं कि आला ऐवानों तक ये मसाइल पहुँचे। आज हमने रुख किया रावलपिंडी का। मैं आपको बताता चलूँ कि जैसे इलेक्शन के हवाले से अगर बात की जाए तो कंट्रोलमेंट बोर्ड के इलेक्शन के हवाले से काफ़ी गहमा गहमी नज़र आ रही है। रावलपिंडी की अगर बात की जाए, रावलपिंडी और चकलाला कंट्रोलमेंट बोर्ड में सैकड़ों उम्मीदवारों ने अपनी किस्मत आजमाने के लिए कागजात नामजदगी जमा करवा दी है। 12 सितंबर 2021 को इलेक्शन होंगे, देखना यह कौन सी पार्टी फतेयाब होगी। ये इलेक्शन आपको मैं बताता चलूँ पार्टी बेस पे हो रहे हैं, लेकिन बहुत सारे आज़ाद उम्मीदवार भी अपनी किस्मत आजमाने के लिए इस इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। आज हम जाएंगे उम्मीदवारों के पास, आवाम के पास, देखेंगे सियासी दर्जा हरारत कहाँ पर है। इसके साथ साथ हम बात करेंगे कोरोना के हवाले से, कोरोना एस ओ पी के हवाले से हम इंतजामिया से बात करेंगे कि एस ओ पी के हवाले से कितनी सख्ती ले के आ रहे हैं, क्योंकि रावलपिंडी पंजाब भर में बात की जाए तो रावलपिंडी में भी स्कूल खोले जा रहे हैं। तो इसके साथ साथ क्या एस ओ पी फॉलो की जाएगी और इंतजामिया की जानिब से लॉकडाउन के हवाले से क्या इकदाम किए जा रहे हैं। साथ साथ हम बात करेंगे रावलपिंडी में क्राइम के इशूज के हवाले से, हम पुलिस के आला अफसरान से बात करेंगे और देखेंगे कि वो क्राइम कंट्रोल करने में किस हद तक यहाँ पे अपना काम कर रहे हैं और ये जानेंगे कि किस हद तक क्राइम उन्होंने कंट्रोल कर लिया है। आज हम जाते हैं रावलपिंडी में और देखते हैं आवाम से, उनसे बात करते हैं, क्योंकि हमारा प्रोग्राम आवाम और सरकार रोज़नामचा जो है आवाम की जो बात है वो हम सामने लेके आना चाहते हैं। हम आवाम के पास भी जाएँगे, इंतजामिया के पास भी जाएँगे कि आज अब रावलपिंडी की आवाम क्या कह रही है। जैसे इससे कबल भी आप कंट्रोलमेंट बोर्ड का हिस्सा रहे, आपने दोबारा अपनी किस्मत आजमाने के लिए यहाँ पे रुजू की है, तो क्या समझते हैं आवाम का क्या रुझान है? पीटीआई ने कश्मीर में इलेक्शन में फतेयाब हुए हैं, उसके साथ अगर सियालकोट की बात की जाए वहाँ से भी वो जीते हैं, लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो सियासी पार्टी बेस पर इलेक्शन हो रहे, कौन सी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं पहले ये बताइएगा, और साथ साथ आप क्या समझते हैं कि जिस पार्टी को भी आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं नतीजा क्या निकले? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से 2015 से मेंबर कैंड बोर्ड मुंतखब हुआ था और अब भी माशाल्लाह 2021 के बल्दियाती इलेक्शन में मैंने दोबारा अप्लाई किया हुआ है और इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म से दोबारा टिकट की दरख्वास्त भी जमा कराई हुई है और इंशाल्लाह टिकट पे भी और इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ेंगे हम। क्या समझते हैं आवाम का क्या रुझान है? आप कंपेन के लिए जाते हैं, क्या आवाम का कोरोना के हवाले से अगर बात की है, चौथी लहर काफ़ी सख्त है, इंतजामिया उस हवाले से भी काफ़ी ज़्यादा सख्ती कर रही है, आवाम का क्या रुझान है, आप क्या समझते हैं टर्न आउट बेहतर रहेगा? हाँ, ये क्योंकि बल्दियाती इलेक्शन है ना जी, ये जो बल्दियाती इलेक्शन होते हैं ये शख्सियत पे होते हैं, बरादरीज़म होता है इसमें, इलाकाई होता है, तो इसमें टर्न आउट जो है ना अच्छा रहता है। मतलब आपके ऊपर मुयसर होता है कि आप किस तरीके से लोगों को, आवाम को बाहर निकालते हैं, आवाम को किस तरह फोकस करते हैं कि वो इलेक्शन में हिस्सा लें और वोट को अपनी कास्ट करें? देखिए, हम ज़ाहरी बात है, हम 2015 से मैं जब मेंबर मुंतखब हुआ और आज 2021 है, तो इसमें 6 सालों में हमने आवाम के साथ रबता रखा है, दोस्तों भाइयों बुज़ुर्गों के साथ रबते में रहे और अल्लाह के फजल करम से हमने अपने इलाके में बेतहाशा काम करवाए हैं और उसकी वजह से हमें बड़ी इज्जत मिली है। मुकाबला हमारा जो है ना, देखें इसमें पीटीआई भी है, पीपल्स पार्टी भी है और आज़ाद उम्मीदवार भी हैं, तो क्योंकि ये बल्दियाती इलेक्शन जो होता है शख्सियत पे होता है, किरदार पे होता है, बरादरीज़म होती है इसमें और इसका टर्न आउट भी अच्छा होता है और मुकाबला भी इंशाल्लाह अच्छा होगा, जिससे होगा इंशाल्लाह जीत कर सीट अपने कायद को तोहफे में देंगे इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। दूसरे नंबर पर बात यह है, कोई ऐसी बात नहीं है, लोकल इलेक्शन ज़रा डिफरेंट होते हैं, तो यहाँ आज़ाद कश्मीर की तरह धांधली नहीं कर सकेंगे। यहाँ जो है इंशाल्लाह हम लोग जो है वो पूरे फार्म में होते हैं और वो लोकल लोग होते हैं, महल्ले के सतक मर सारे तामन करते हैं और किसी किस्म की ना धांधली होगी ना धांधली होने देंगे कि और मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार हूँ, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो कामयाबी होगी। और कौन सी वार्ड से रिप्रेजेंट करें और क्या समझते हैं कि जो पहले आप कबल नहीं आप इलेक्शन लड़ते थे, आप काफ़ी अरसे से एक सोशल वर्कर की हैसियत से, कहा जाए तो 1122 की हैसियत से आपका एक नाम है कि कोई भी खिदमत का जज्बा होता है तो आप पेश पेश रहते हैं, तो अब उम्र का एक हिस्सा गुजर गया और लेकिन एक सियासत आप अपने साथ ले कर चल रहे हैं, पहले के इलेक्शन में आपके इलेक्शन में क्या फ़र्क है? कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, पहले गैर जमाती हुआ करते थे तो अब जो है जमाती हो रहे हैं, तो पिछली दफ़ा भी जमाती हुए हैं, अभी इस दफ़ा भी, इससे पहले कंट्रोल बोर्ड के एक्ट के तहत जो है सारे इलेक्शन गैर जमाती, मैंने 3 गैर जमाती इलेक्शन जीते हैं आज़ाद, और पिछला जो है नून के टिकट से जीता है, अभी इंशाल्लाह फिर जीतूंगा अल्लाह ने चाहा तो। लोगों का रुझान कैसा है जब आप लोगों के पास वोट लेने के लिए जाते हैं, कि समझते हैं कि टर्न आउट ठीक रहेगा? हमारे साथ तो बहुत अच्छा है, क्योंकि हमने इंशाल्लाह ताला अल्लाह के फजल करम से खिदमत की है, अपने दफ्तर खोल के बैठे रहे हैं, लोगों को काम किए हैं,
हमारे साथ तो लोगों का रवैया बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, और वो कहते हैं जी कि इंशाल्लाह हम आपके साथ हर किस्म का तआवुन करेंगे, वोट भी देंगे, सपोर्ट भी करेंगे और कर भी रहे हैं। बेशुमार जगह मीटिंग्स हो रही हैं और लोगों के साथ दुआ सलाम हो रही है, लोगों के साथ दुआ खैरें हो रही है, ठीक ठाक प्रोग्राम जा रहा है, कोई उसमें ऐसा मसला नहीं है, बिल्कुल ठीक ठाक इंशाल्लाह कामयाबी होगी और भारी अक्सरियत से होगी इंशाल्लाह। अच्छा बताइएगा भाई, आप इधर आगे सामने आइएगा, वैसे इलेक्शन में बड़े पेश पेश रहते हैं, चाहे वो जनरल इलेक्शन हो, चाहे बल्दियात के इलेक्शन हो, चाहे कोई भी इलेक्शन हो, कहीं कोई सोशल वर्क हो, आप काफ़ी पेश पेश रहते हैं, क्या समझते हैं कि क्या इस दफ़ा इलेक्शन का एक जो है मैदान सजने जा रहा है 12 सितंबर को, तो आप क्या समझते हैं कि लोगों का न्यूट्रली होकर ये बताइएगा कि लोगों का क्या रवैया, बगैर किसी पार्टी की निस्बत से कि आप किस पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, कौन सी पार्टी जीतेगी, लोगों का रवैया बताइएगा, क्योंकि कोरोना के हवाले से अगर बात की, चौथी लहर वो काफ़ी ख़तरनाक है, इंतजामिया की जानिब से एक जानिब लॉकडाउन लगाने की बातें की जा रही हैं, बच्चों के स्कूल कभी खुलते हैं कभी बंद हो जाए, दूसरी तरफ इलेक्शन की बात की जाए तो इलेक्शन भी आ गए हैं सर पे, क्या समझते हैं लोगों के जो एक माइंडसेट, आप लोग जब सियासी लोग जाते हैं तो माइंडसेट पढ़ते हैं, तो आप क्या टर्नआउट जो है लोगों का, जो वोट बैंक है वो निकाल पाएंगे? जी सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ राजा फहद भाई कि आपने मौका दिया बात करने का। आपने पूछा है कि लोकल बॉडी में आवाम को निकालना और किस नोयत से कैसे होता है, जो लोकल इलेक्शन आपका होता है, बल्दियाती इलेक्शन होता है, वो आपको पता है कि वो आपके गली मोहल्ले पे मुहित होता है, उसका जितना क्राइटेरिया होता है ना गली मोहल्ले में होता है, गली मोहल्ले के मुख्तलिफ मसाइल होते हैं, किसी की नाली गंदी है, किसी के स्ट्रीट लाइट नहीं लगी हुई फलां, और जहाँ तक हमारा ताल्लुक है जो इलेक्शन अब मेरे वालिद मोहतरम पार्टिसिपेट कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून से, तो बाकी जो मांदा पार्टियाँ हैं हमारे जो इस यहाँ पर है कि हमारे जो दरवाज़े हैं, जो हमारा दफ्तर है, अगर आपकी आपको पता होगा, जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि हाफिज़ हुसैन मतलब 1122 की हैसियत रखते हैं कि जहाँ पे जिसको मसाइल मसला होता है वहाँ पहुँच जाते हैं। 8 साल तो रावलपिंडी कंटोनमेंट बोर्ड मुअत्तल रहा है, जिस कंटोनमेंट बोर्ड के मैं बाहर आज खड़ा हुआ हूँ ये 8 साल मुअत्तल रहा है, और इसकी मुअत्तली के बावजूद हमने लोगों को अकोमोडेट किया है, हमने उनको वो हमारे घर के दरवाजे खुले रहे हैं, ऑफिस खुला रहा है। जो लोकल बॉडी में लोगों का ये हिस्सा होता है वहाँ पे ये होता है, उनका ज़्यादा लंबे उनके मसाइल नहीं होते, उनका यही मसाइल होता है कि हमारा कुछ छोटा सा मसला है, कोई गली का मसला हो गया, कोई आवाम का क्या समझते हैं कि आवाम का रुझान, आप जो आवाम निकलेगी, आवाम निकलेगी, आपकी ख्वाहिश तो होगी निकले, लेकिन आप क्या समझते हैं, एज अ मैं आपसे पूछूँ कि न्यूट्रल होके बताइए क्या आवाम निकलेगी, एज ए न्यूट्रल टर्न आउट होगा तो टर्न आउट एक सूरत में सिर्फ हो सकता है कि आप जोन से आपके इलाकाई बंदे हैं, जो वो बंदे जो आवाम के अंदर अरसा 20 साल से 25 साल से 30-35 साल से, जिस तरह मैंने अभी आपको कहा कि कंटोनमेंट बोर्ड मुअत्तल रहा है, वो लोग बैठे रहे हैं, अगर आप ऐसे लोगों को सामने लेके आएंगे तो आवाम निकलेगी, फिर तो आवाम निकलेगी, टर्न आउट आएगा। अगर कोई इस तरह का सिलसिला हो जाएगा कि अगर मतलब आप एक ऐसे लोगों को तुम आप टिकट देना अगर आप शुरू कर दें कि जिसमें मतलब जिनके जिनको क्राइटेरिया ना हो या जिनके आवाम की वाबस्तगी ना हो, तो उसका फिर नुकसान तो पार्टी को होगा ना। अच्छा बताएं जी, गरीब बंदा इलेक्शन लड़ सकते हैं? जी इलेक्शन जो है कंटोनमेंट के हवाले से अगर देखा जाए तो इलाकाई बुनियाद पे हर बंदा इलेक्शन लड़ सकता है, और अगर आप अभी क्या रिस्पांस मिलता है गरीब बंदे को, मिडिल क्लास बंदे को, अमीर बंदे को? असल में जो कंटोनमेंट बोर्ड का इलेक्शन है इसका ताल्लुक अमीरी गरीबी से तो होता नहीं, कंटोनमेंट बोर्ड का इलेक्शन बेसिकली एक वेलफेयर का इलेक्शन है, इसमें जो भी आता है जो शख्स जीतता है वो जीतने के बाद आवाम के लिए जितना वेलफेयर के लिए काम कर सकता है वो कोशिश कर सकता है वो करेगा, और गरीब आदमी की जहाँ तक बात है, गरीब आदमी ने जो अपनी वेलफेयर के लिए जिसने अपना आप बनाना हो, ठीक है, इंसान हमेशा सबसे पहले अपना आप बनाने का सोचता है, उसके बाद किसी और का बनाने का सोचता है। तो जहाँ तक ताल्लुक है कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन का, तो कंटोनमेंट बोर्ड का इलेक्शन इलाकाई बुनियाद पर होता है, और हर बंदा एक दूसरे से कनेक्टेड होता है, और जब इंसान कनेक्टेड होते हैं तो बहुत सारे ताल्लुकात बनते रहते हैं और इलेक्शन इसी बेस पर लड़ा जाता है। क्या कहना चाहिए, कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन आ गए? जी कंटोनमेंट के इलेक्शन आ गए हैं, ये आवाम के लिए बहुत बेहतर है, क्योंकि आवाम के जो इलाकाई काम होते हैं वो नुमाइंदे यही करते हैं जो कंटोनमेंट के लोकल मेम्बर्स होते हैं, जिन्होंने गली मोहल्ले में अपना रहन सहन इख्तियार किया होता है, उन्हीं को इलाकाई मसाइल पता होते हैं, तो वही लोग बेहतर आवाम के मसाइल को हल कर सकते हैं, और कंटोनमेंट के इलेक्शन हो रहे हैं बहुत अच्छी बात है, होने चाहिए, हर जो है 4 साल बाद जो इनका एक टाइम पीरियड है उसके बाद ज़रूर इलेक्शन होने चाहिए। अच्छा आप बताइएगा कि जी, आपने एक सवाल किया था कि गरीब आदमी जो है वो इलेक्शन लड़ सकता है कि नहीं लड़ सकता है, किसी कंटोनमेंट बोर्ड की एक मिसाल है सूबेदार रिटायर्ड सैयद जमान साहब,
पेंशन तो उनको मिलती, वो पेंशन मिलती थी, और पेंशन पे, और वो बंदा साइकिल पे यहाँ आता था, सब गाड़ियों पे आते थे और वो बंदा साइकिल पे आता था। सबसे ज्यादा उस बंदे की लीड थी, 1700-1800 लीड थी उस बंदे की पहले के इलेक्शन और अब के इलेक्शन, साइकिल पे, और साइकिल पे वो लोगों के आटे सब्जियां लेकर घरों में देता था। और उनकी जो घर वाली थी, औरतें थी, वो कहती थी आप बेशक जिसको मर्जी वोट दे, हम सुबदार साहब जमान को वोट देते, आप लोग काम पे होते हैं, ये हमारे काम आता है। अच्छा मुझे ये बताइए कि जैसे आपने बड़ी अच्छी मिसाल दी, उस दौर में आपके दौर में क्या डिफरेंस ये है कि अब लोग अवेयरनेस आ गई है, उस वक्त इतने ज़्यादा लोग पढ़े लिखे नहीं थे, एजुकेशन नहीं थी, अब एजुकेशन हो गई है, और ये लोकल बॉडीज़ में लोग निकलते हैं, ऐसी बात नहीं है, मल्ले गली का इलेक्शन होता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये मुझे बताइएगा कि बल्दियात जो हैं मुंतखब हो जाते हैं, नुमाइंदे सारा कुछ हो जाता है, आप क्या समय इख्तियारात मुंतकिल होते हैं, जितनी आवाम की तवक्को होती है क्या उतने इख्तियारात उनको मिलते हैं? इख्तियारात मिलते भी हैं, नहीं भी मिलते, लेकिन ये कि अपनी तरफ से वो पूरी कोशिश करते हैं कि हम आवाम की खिदमत करें, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वसाइल हैं, मुल्की वसाइल हैं, प्रॉब्लम्स तो हैं ना, हर जगह पे प्रॉब्लम है, तो बहरहाल हर बंदे की कोशिश होती है कि मैं आवाम की खिदमत करूं, करते भी हैं, और आपकी मिसाल आपके इसी वार्ड की है भी। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह यानी कि आज़ाद हैसियत से नहीं लड़ रहा हूँ, अपने मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म से लड़ रहा हूँ। अभी हमारे यानी कि बोर्ड बैठी हुई है इंशाल्लाह, तो उन्होंने इंटरव्यू करना है, उसके बाद जो भी डिसीजन होगा बोर्ड का, पार्टी जो भी फैसला करेगी इंशाल्लाह वो बेहतरी करेगी। और बाकी ये है कि जी जो 3 साल दौर हमने देखा है PTI का, स्पेशली रावलपिंडी कैंड में जो पैराशूटर इनके आए थे MNA साहब, आमिर कियानी साहब, वो जो है 3 साल हो गए हल्के में, ना उनको किसी को नज़र आते, ना वो किसी से रابطہ रखते। उमर भट्ट साहब जो है वो अब उनकी हालत भी सबके सामने है, जो उन्होंने किया हल्के के लिए, हल्के की आवाम से जो है वो बिल्कुल यानी आवाम उनसे मुतनफ़र हो चुकी है। और PTI ने जो घन फैलाया है इस वक्त यानी कि मौजूदा दौर में 3 साल, काफ़ी आप क्या समझते हैं कि PTI गवर्नमेंट की जो भी कारकर्दगी रही आपको उसका क्या फल? क्या फल मिलना है जी, गरीब आवाम तरस गई है जी, आप देखे लोग कह रहे हैं कि गरीब आवाम कश्मीर इलेक्शन में थी जी, कश्मीर इलेक्शन में आप सबको पता है जी, अब अगर हम सबको ताले लगे हुए कश्मीर आवाम क्या होना है, मैं खुद अपना कैंपेन में था कश्मीर इलेक्शन में मरियम नवाज़ के साथ, तो वहाँ पे जो हमने क्राउड देखा अल्हम्दुलिल्लाह, वहाँ पे जो आवाम का जज्बा देखा वो काबिल जज्बा और क्राउड इकट्ठा हो गया, लेकिन सीटें बहुत कम, तो मैं यही तो कह रहा हूँ जी कि आपने नबील कबूल का शायद इंटरव्यू सुना होगा जी, हमें 16 सीटें कही गई थी लेकिन हमें मिली 11 सीटें हैं। वो तो आपके साथ अभी अपोजिशन में है पीपल्स पार्टी, और आप अपोजिशन में हैं, और आप बात कर रहे हैं इमरान खान की, लेकिन और अगर बात देखीजिए इससे कबल तो जो होना था वो हो चुके, आप यहाँ पे इलेक्शन में क्या मतवक्को कर रहे हैं? इंशाल्लाह अज़ीज़ यहाँ पे इंशाल्लाह मुस्लिम लीग जो है वो अपनी पिछले 5 साल दौरे कारकर्दगी पे जो है इलेक्शन लड़ेगी। जो मियाँ साहब ने आवाम को जो रिलीफ दिया था आटा चीनी में, देखिए गरीब आवाम को क्या चाहिए, गरीब आवाम को इससे क्या लगे कि जी खान साहब ने क्या किया क्या नहीं किया, यही लगता है कि जी आटा सस्ता हो, चीनी सस्ती हो, बिजली के बिल देखे जनाब आप, गैस के बिल देखे कहाँ तक पहुँच गए, गरीब पिस रहा है, गरीब महंगाई की चक्की में पिस रहा है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपके काफ़ी रफ्तार से आपके बहुत सारे सवाल आपने कर दिए, मैं कोशिश करता हूं कि मैं बिल तरतीब उनका जवाब दूं। इस तरह है कि जी 26 जुलाई से लेकर 29 तारीख तक नॉमिनेशन पेपर जमा होने की तारीख थी एज़ पर इलेक्शन शेड्यूल जो कि इलेक्शन कमीशन ने वो जारी किया। दूसरा, इसमें उस वक्त तक हमसे जो लोगों ने नॉमिनेशन फॉर्म लिए वो 148 लोगों ने हमसे नॉमिनेशन फॉर्म लिए। फिर उसके बाद 27 से 29 तारीख तक जो तारीख थी वो नॉमिनेशन फॉर्म जमा करवाने की थी। और मैं एक बात वाजे करता चलूं कि कंटोन बोर्ड रावलपिंडी के जो 10 वार्ड हैं, 10 वार्ड में से 5 वार्ड जो 1 से 5 हैं उन तक उनके लिए रिटर्निंग ऑफिसर हमारे CEO उमर फारूक अली मलिक साहब हैं। तो फिर हमें 107 लोगों ने मुख्तलिफ वार्डों से एक से पाँच तक के जो लोग थे उन्होंने हमें नॉमिनेशन पेपर जमा करवाए। आज 31 जुलाई से लेकर 3 अगस्त तक इनकी स्क्रूटनी होनी है। जो आप पहला बैच है आज वार्ड नंबर 1 के जो लोग हैं उनको हमने बुलवाया हुआ है और उनकी जो स्क्रूटनी है वो अंडर प्रोसेस है। इसके बाद जो रिज़ल्ट अनाउंस होगा, जो पेपर एक्सेप्ट करेंगे या हम रिजेक्ट कर देंगे, उसके ऊपर जो है लोगों ने अपीलें दायर करनी है 4 अगस्त से लेकर 8 अगस्त तक उनका टाइम। जब वो एक्सेप्टेंस उनकी हो जाएगी वहाँ से 10 अगस्त तक एपेलेट अथॉरिटी जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब हैं उन्होंने हमें उसका डिसीजन देने हैं। फिर हम उसकी वैलिडली नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स जो हैं वो हम उनकी लिस्ट जो है ना वो पब्लिश करेंगे और उसे अगले रोज़
गालबन ये 9 या 10 जो है अगस्त है उसके ऊपर हम उनको इंतखाबी निशानात अलाट करेंगे। इसमें मैं एक बात वाजे करता जो चाहता हूँ कि जो इलेक्शन है इस वक्त कंटोन बोर्ड के वो पार्टी बेसिस पे हो रहे हैं, सियासी जमातें भी उसमें हिस्सा ले रही हैं, और जब सिंबल अलाट होंगे तो उस दिन हमें पता चलेगा कि कौन सा उम्मीदवार किस पार्टी से इलेक्शन लड़ रहा है। सरे दस ऐसी कोई डिस्टिंक्शन नहीं है, ना ही किसी ने डिस्क्लोज़ किया और ना ही हमने किसी से क्वेश्चन किया कि आप भाई कौन सी पार्टी से इलेक्शन लड़ रहे हैं। स्क्रूटनी के प्रोसेस के लिए उम्मीदवारों से बड़े डिटेल्ड उनसे जो है ना वो क्वेश्चन हो रहे हैं, और इसके लिए हमने जो मुख्तलिफ़ इदारे हैं, कौमी इदारे हैं, जैसे कि नादरा है, नैब है, FIA है, और डिफरेंट सुई गैस PTCL डिपार्टमेंट है, यूटिलिटीज के लिए ISCO है, और उनसे हम जो है ना अपने कंट्रोल बोर्ड के ड्यूज के मुतालिक भी हम पूछ रहे हैं कि उन्होंने क्लियर किए हैं कि नहीं। जी नाज़रीन, जैसा कि हमने आपको बताया था ऐसे कबल भी कि हमारा मकसद होता है अवामी मसाइल को उजागर करना। आज हमने रावलपिंडी का जब रुख किया है तो अवाम रावलपिंडी की अवाम से पूछते हैं कि क्या जो दरपेश मसाइल हैं उनको हैं, और उसके साथ अगर इलेक्शन की अगर बात कीजिए तो कौन सी पार्टी को वो सपोर्ट कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा ये बताइएगा कि यहाँ पे आप जहाँ पे रिहाइश पजीर हैं, कोई मसला परेशानी जो आपको अभी आ रही हो उस हवाले से बताइएगा, और ये बताइएगा जैसे कंट्रोल बोर्ड के इलेक्शन आ रहे हैं तो आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट। मुझे पहले ये बताएं कि पार्टियां हैं कौन कौन सी। ये तहरीक इंसाफ वगैरह ये पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात करें, मैं तहरीक इंसाफ की पार्टी को जो है उनको सपोर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, और क्या आप प्रॉब्लम कंटोनमेंट बोर्ड के लिहाज से सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है पानी का प्रॉब्लम है, पानी आप यहीं की रहिश जी? बिल्कुल यहीं का रहिश। आप क्या समझते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अगर देखा जाए तो अरसा 3 साल में किस तरह डिलीवर किया? उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, ज़रूरी बात है कि जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व होते होते थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। अगर ये अपना टाइम टेन्योर पूरा कर लेते हैं तो फिर उसके बाद कुछ पता लगेगा कि इन्होंने कितना अच्छा किया या कितने फ्लॉज इसमें रह गए या कितने प्रॉब्लम्स इन्होंने कोई, क्योंकि हर हुकूमत जो ख़त्म होती है फिर ही उनका पता चलता है कि कितना प्रॉब्लम्स। इस एरिए में सबसे बड़ा मसला क्या है? यहाँ पर पानी का प्रॉब्लम। पानी का प्रॉब्लम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है। अच्छा ये बताइए कि यहाँ की रहिशी हैं? नहीं, मैं पिंडी का हूँ, मैं अपने कज़न से घर आया हूँ। अच्छा ये बताएं कि यहाँ पे अगर ये बलदियाती इंतखाबात जो शुरू है कंट्रोलर बोर्ड के, पार्टियाँ मुख्तलिफ जो पार्टी बेस पे हो रही हैं, आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट करेंगे? पीटीआई को सपोर्ट करेंगे। आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट करेंगे? PDA। क्या समझते हैं इमरान खान जैसे वज़ीर आज़म, उनके बारे में आपकी क्या राय है? नहीं, वज़ीर आज़म तो नहीं सही लेकिन बाकी सबसे बेहतर ये, क्योंकि बाकी सब चोर हैं। आप क्या समझते हैं बाकियों से बेहतर हैं? बाकियों से बेहतर हैं। आप खुश हैं यहाँ पे मौजूदा हुकूमत से? महंगाई के हवाले से अगर बात कीजिए तो कोई महंगाई चाहिए आपको नज़र आ रही है? हाँ महंगाई तो है लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर ठीक ही हैं। सलाम अलैकुम जी। सलाम अलैकुम, क्या हाल है? ठीक है। अच्छा ये बताइएगा कि ये बलदियाती इंतखाबात शुरू हैं, आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? सर हमने तो कर रहा था नून लीग को। लोग कह रहे हैं कि जैसे हमने पूछा वो मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी से खुश हैं, आप अगर कारकर्दगी के हवाले से बात कीजिए तो मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से क्या कहेंगे? सर तकरीबन ज़ीरो ही है हमारे साथ में, हर चीज़ इतनी महंगाई इतनी हो गई है ज़्यादा। आप क्या कहेंगे सर? अस्सलाम वालेकुम, इधर आइएगा। अच्छा ये बताइएगा कि यहाँ पर आप यहाँ के रिहाइशें, हाँ क्या मसला है इस हल्के का, सबसे बड़ा मसला क्या है? सबसे बड़ा मसला तो पानी का है। पानी का मसला है, अगर ये बलदियाती इंतखाबात होते हैं आप क्या समझते हैं आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट करेंगे? मैं इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून को। क्या वजह? वजह यह है कि वो बंदा बहुत अच्छा है, मतलब जमील। अच्छा। बहुत अच्छा बंदा है वो, उसने काम वगैरह किए हैं कि उसके बाद उसका आवाम के साथ मेल जोल रोज़े अव्वल से जिस तरह से वो पिछले 4 साल में वही रहा है तो उसका जनाब कारकर्दगी ठीक रही है। उसकी कारकर्दगी भी अच्छी है, बंदा भी अच्छा है, हमने जमील के साथ चलना है कुछ भी हो। अस्सलाम वालेकुम खान साहब, क्या हाल है? ठीक है। और इलेक्शन शेक्शन चल रहे हैं, क्या समझते हैं कौन सी पार्टी को आप सपोर्ट करेंगे? पहला तो इमरान को किया था लेकिन अभी कोई पता नहीं है किसको करेंगे। कब पता चलेगा? इंशाल्लाह कोई अरसा बाद हो तो कह रहे हैं कि इंशाल्लाह ये साल अच्छा होगा, ये होगा, वो होगा, देखा जाएगा।
अगर इन्होंने कुछ किया तो इनको ही वापस करेंगे कि नहीं किया तो फिर पीपल पार्टी भी है, मुस्लिम लीग भी है। लेकिन अस्सलाम वालेकुम जी, आप यहीं के रहने वाले हैं, आप कहाँ से ताल्लुक रखते हैं? मैं इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद से, अच्छा यहाँ पे कोई इलेक्शन की तैयारियाँ शुरू हैं, हुकूमत की कारकर्दगी के बारे में क्या कहेंगे? जो मुल्क के हालात हैं उस हिसाब से तो हुकूमत जितना कर सकती है कर ही रही है। ठीक है, आप क्या सेटिस्फाई हैं? सेटिस्फाइड ही हैं। और महंगाई के हवाले से क्या कहेंगे? महंगाई ओवरऑल जो इकॉनमी की सिचुएशन है उस हिसाब से जितना वो कर सकते हैं कर रहे हैं, महंगाई तो है ऑब्वियसली। कोरोना के हवाले से अगर बात कीजिए तो क्या कोरोना के एसओपीज के हवाले से हुकूमत एसओपीज पर फॉलो कराने के हवाले से अगर बात कीजिए तो क्या फॉलो करवा पा रही है? हुकूमत तो अपनी कोशिश करती है लेकिन अगर जब तक आवाम तावन नहीं करे तो हुकूमत क्या कर सकती है? आवाम का तावन जरूरी है, आवाम का तावन जरूरी है जी। यहाँ पे इनका ये कहना है कि हुकूमत की कारकर्दगी से काफ़ी हद तक खुश हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम। यहाँ के रहायशी हैं पिंडी के? जी जी। अच्छा ये बताइएगा, इलेक्शन का काफ़ी ज़्यादा जो सियासी दर्जा हर तरूज पर है, दोबारा फिर इलेक्शन आ गए, कौन सी पार्टी को सपोर्ट करेंगे? ये हमारे जमील साहब हैं जी, इन्होंने माशाल्लाह सारा काम शाम किया है, सारे रोड शोड गलियां शलियां सारी सपोर्ट करेंगे। यही जो उसका क्या नाम है नून लीग के साथ। क्या वजह नून लीग की सपोर्ट कर रहे हैं? क्योंकि वो काम ज़्यादा इन्होंने कराया ना, हमने अभी तो इमरान खान साहब जो हैं वो बरसे इकदार हैं, कश्मीर का रिजल्ट अगर आप देखें तो वो तो नहीं, इमरान खान साहब माशाल्लाह अच्छा काम कर रहे हैं, सब काम सही हो रहा है, हमें वो नहीं है उनसे कोई इतराज़, लेकिन हमने अपने वो हल्के के बंदे को देखना है ना। इस हल्के का सबसे बड़ा हल्के का बंदा, ये सब पानी रोड और ये बिजली और गैस वगैरह सारा माशाल्लाह सब सेट चल रहा है हर चीज़ के ऊपर। जमील साहब अस्सलाम वालेकुम जी। सर जी मैं रक्षा चलाता हूँ। रक्षा चलाते सर जी? बस सवारी पैसे देते नहीं है, हम आगे भी लगे हुए बस। हुकूमत की कारकर्दगी से खुश हैं? सर जी बस खुशी है, मजबूर हैं, क्या करें, वोट देना था दे दिया, उसको जिता दिया, लगे हम। आप किसको वोट देंगे अगर यारा ये पेट्रोल आगे पीछे हम लोग गरीबों का यही हिसाब है सर जी, बस इसी ये बलदियाती इंतखाबात ये मजबूर हैं। दोबारा फिर पीटीआई को दे रहे हैं यारा? सर जी देखेंगे ना, अभी तो कोई समझ नहीं आ रही। आखिरी दिन फैसला करेंगे? आखिरी दिन सर जी आखिरी दिन देखा क्या होता है, अभी तो पेट्रोल फिलहाल महंगे है, काम चला रहे हैं, गुजारा करते हैं, सुबह से खुद भूखा हूँ, 400-500 रुपये मजदूरी किए, सुबह 8 बजे का निकला हूँ सर जी, तो बस सवारी पैसे देते ही नहीं है, पेट्रोल अपना महंगा है, खर्च लग जाता है आगे पीछे, तो क्या कर रहे हैं। ये बताइएगा कि हुकूमत की कारकर्दगी से किस हद तक आप खुश हैं? हुकूमत की कोई कारकर्दगी हो तो बंदा उस पर बात करें ना, फिलहाल जितना भी 3 साल गुजर चुके हैं हुकूमत की तकरीरें तकरीरें हैं, वो कहते हैं ना मुर्गा अजान देता है नमाज नहीं पढ़ता, हमारे वज़ीर आज़म सब तकरीर कर देते हैं उस पर अमल नहीं करते। देखिए मैं तो यही कहूँगा, मैं खैर इस हलके का तो नहीं हूँ तो, लेकिन ये है कि हुकूमत वही परफॉर्म करती है जो अवामी हुकूमत होती है, तो ये मैं समझता हूँ कि अवामी हुकूमत नहीं है, तो ये सिलेक्टेड हुकूमत है, तो ये क्या परफॉर्म करेगी? बाकी मसाइल तो शुरू से ही हैं, किसी भी दौर में अवाम के मसाइल हल नहीं हुए। यहाँ पर इलेक्शन हो रहे हैं, कौन सी पार्टी को? नून लीग को। क्या वजह? वजह बेसिकली मैं शुरू से नून लीग हूँ, कॉलेज दौर से। ठीक करेगी गलत करेगी नून लीग की? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक किया उसने, जितना अगर आप पूरे हिस्ट्री निकाल लें नून लीग के कामों को, हुकूमत से निकाल मतलब पाकिस्तानी हिस्ट्री से निकाल लें तो पीछे पाकिस्तान के पास कुछ भी नहीं बचता। इमरान खान की हुकूमत के बारे में? जीरो, कोई बिल्कुल जीरो। कश्मीरी इलेक्शन जीत गई? बस आपको पता है जिस तरह जीते हैं, जीते तो वो देखे आवाम ने वोट दिए, तभी देखे ना 5 लाख का अगर वोट ले के भी उनकी 6 सीटें नून लीग के तो उनकी 6 लाख वोट ले। तो आप ये भी तो देखें ना, आप इस बारे में क्या कहेंगे बयानिए के हवाले से, मरियम नवाज का बयानिया क्या, शहबाज शरीफ का बयानिया क्या, हमजा शहबाज का क्या बयानिया है? दोबारा तो ये बातें देखें, शहबाज शरीफ साहब कश्मीर के इलेक्शन में नहीं गए, नज़र कहीं नहीं, हमजा शहबाज जो है जब से बाहर आए नज़र नहीं आ रहे, मरियम नवाज बोलती हैं तो वोट कम होते हैं, वजह के? नहीं मरियम नवाज की वजह से नहीं वोट कम हुए, मरियम नवाज के वोट जो है उसी तरह ही हैं, तो बस आपको पता है जो हमारे एस्टेब्लिशमेंट का ये नहीं समझते, आप ये नहीं समझते अगर एक बात एक के पार्टी में आप में भी थोड़ी सी डिस्टरबेंस है यूनाइट हो के रहेगी तो फ़ायदा हो सकता? बेशक इसी तरह है, लेकिन बयानिया जो है नवाज शरीफ का बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल चीफ साहब को रिक्वेस्ट करते हैं अच्छा काम करें बस। कहाँ के रह? मैं इधर पिंडी का हूँ। पिंडी कौन सी जगह के? मैं वारिस खान का। अच्छा वारिस खान के हैं आप, वारिस खान में अच्छे काम नहीं हो रहे? कुछ भी नहीं हो रहा यार, बस अल्लाह जानता है कुछ भी नहीं हो रहा, देखो गरीब मर रहा है ना बस, देखो घी जो है 1 हफ्ता पहले 300 रुपये था, अब जो डालडा की है 130 रुपये, 330 रुपये हो गए, ये एक जुल्म नहीं है ना। क्या कहना चाहेंगे, पैगाम क्या देना? पैगाम ये कह रहे हैं पैगाम गरीब का ख्याल करें बस, ये जो महंग पाई है उन स्टोरों पे उन्होंने महंगी कर दिया ना, सारी चीज़ें बस 260 रुपये चीनी 85-85 रुपये कर दिया। हाँ महंगा सोडा बेच रहे हैं
50 रुपए का भेज रहे हैं, पहले भी 50 का भेज, पहले का 50, पहले भी 50 का चार। क्या कहना चाहेंगे, कौन सी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? सर किसी पार्टी को नहीं, बहरहाल अकेला इमरान खान ठीक है, बकाया नीचे तो फिर जहरी सी बात है, अब वो सारों को हटाएगा तो हुकूमत चली जाएगी। आप कहते हैं कि विदर्भ में इमरान खान अच्छा डिलीवर कर, अकेला वो ठीक है, बंदा करप्ट नहीं है, वो इन सारों की तरह गरीबों का ख्याल किया जाए बस। हम तो गरीबों की आवाज़ बनने के लिए यहाँ पे आए हैं। जो गरीब लोग हैं ना, जिस तरह दिहाड़ीदार हो गए, जिस तरह ये लोग हो गए, इनका वही 50 रुपये रेट है सोडे का, ठीक है आज भी वही है, मगर क्राइम की शरह में रावलपिंडी में इजाफा हुआ है, कमी है वो तो हुआ। अब जो किराएदार हैं जहाँ 10,000 थे वो कहते हैं हम 12 लेंगे। क्राइम की कमी में, मैं इसमें क्राइम की बात करूँ, क्राइम तो अभी भी वही है, अगर देखा जाए कोई इतना वो ख़ास फ़र्क तो नहीं है ना। अल्लाह का फजल है, जब से ये शेख साहब आए हैं वजारत संभाली है, क्राइम बहुत कम हो चुके हैं, 50% कम हो चुके हैं, और उसके अलावा सफाई वगैरह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरह पहले बकरे ईदों पे गंद पड़े रहते थे, अब वो कंटोनमेंट बोर्ड वालों ने ओके किए हैं। हाँ तो ये बलदियाती इंतखाबात हो रहे हैं, आप क्या समझते कौन सी पार्टी फतेहयाब हो? यार अच्छी बात है अगर हो जाएँ तो, अब तो अनाउंस हो गए, अनाउंस हो गए हैं तो अल्लाह करे, हम हैं तो पीटीआई के हैं साहब, जो बात है शेख रशीद हो गया या पीटीआई होगी, हम उसी की पार्टी के हैं, पर अल्लाह करे और आवाम के लिए अच्छे अच्छे काम करें और रास्ते खोलें, और ये लई का प्रोजेक्ट जो है इसको पाया तकमील पर पहुँचा लो शेख साहब, बता दिया मैंने। हाँ क्योंकि आती जाती रहती हैं, ये आपकी मैं बोल बोल रहा हूँ, हुकूमतें आती जाती रहती हैं, लई को सही कर दो, पूरा पाकिस्तान का तो फर्जंद है, अब तो इंटरनेशनल सतह पे भी तो फर्जंद बनता जा रहा है, लोग इंतज़ार करते हैं शेखे, इसलिए कि कब इसका कोई इंटरव्यू हो, टीवी पे इंतज़ार करते हैं इंटरनेशनल सतह पे। क्राइम की शरह तो बिल्कुल कम हुई है, और जो आपका दूसरा सवाल है लई के वाले से, तो लई एक्सप्रेस का जो इनका ड्रीम था वो फुलफिल हो जाना चाहिए। मैं कहता हूँ जब से दुनिया पैदा हुई उस वक्त से ही महंगाई करती है, कभी किसी ने नहीं कहा कि जी बड़ी सस्ता काम है, क्योंकि उस टाइम उनको लेबर कम मिलती है, 5 रुपए में मिस्त्री मजदूर काम करते थे, आज मिस्त्री मजदूर क्या पैसे लेते। आप क्या समझते हैं जो बलदियाती इंतखाबात में होंगे उसमें कौन सी पार्टी फतेहयाब होने के चांस है? सर देखें पीटीआई का चांस ज़्यादा, एक चंगी गल नहीं हो रही, शेख रशीद नु चाहिए कि इंसाफ करावे लोगों, गरीब आदमी सुक्के मार रहे हैं, उन्होंने सुक्का किसान जेल च सुट दे, किसान थाने सुट दे, क्यों को वजह है जी? ये जो काले कोर्ट वकील बने हुए हैं ये उल्टे केस कर रहा है, झूठे झूठे केस कर रहा है। कौन ये नाम है उसका? नाम बताया ना, शेख रशीद का नाम आपने ले लिया, झूठे उसका भी केस का नाम बता। उसका नाम है वसीम लोधी, ठीक है जी, एडवोकेट बना हुआ है जेली, और जी आपने यहाँ पे गुफ्तगू सुनी आवाम की, काफ़ी ज़्यादा कुछ लोग जज्बाती भी थे, कुछ लोगों ने शेख रशीद अहमद साहब से यहाँ पे लई एक्सप्रेस के हवाले से दावे भी कर दिए, आपने सियासी गुफ्तगू भी सुनी, हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से भी गुफ्तगू सुनी, इसके अलावा आपने देखा कि रावलपिंडी का जो रुझान है सियासी दर्जा हरारत काफ़ी अरूज पर, हर लोग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा गहमा गहमी है, देखना यह है कि कौन सी पार्टी फतेहयाब होगी आगे, अभी तो सिलसिला ये चल रहा है, एक महीने से ज़ायद ये सिलसिला जारी रहेगा। क्राइम के हवाले से भी लोगों के आपने मसाइल सुने, कुछ लोगों ने यहाँ पर बताया कि रावलपिंडी में पानी का सबसे ज़्यादा बड़ा मसला है, उनका यह कहना है कि जो भी मुंतखब नुमाइंदा यहाँ पर मुंतखब होगा उसको चाहिए कि पानी के हवाले से काफ़ी ज़्यादा तवज्जो दे। हमारे साथ मौजूद हैं फहद बशीर साहब, फहद बशीर साहब ये बताइएगा कि काफ़ी ज़्यादा आप ग्रिप रखते हैं रावलपिंडी के इशूज़ के हवाले से, बलदियाती इंतखाबात आ रहे हैं, आवाम का आपने आज जो ख़ास तौर पे व्यूज़ उनके सुने, क्राइम के हवाले से आपने बात देखी तो आवाम की उनके मसाइल के हवाले से बात सुनी, आप ओवरऑल इस तमाम चीज़ों को किस तरह कंक्लूड? जी देखें बलदियाती इंतखाबात की आमद आमद है, तो आपने देखा होगा कि इस बार 100 से ज़्यादा जो है कैंडिडेट इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं, वजह क्या है, इतने लोगों को मसाइल हैं, दरपेश हैं, गली गली में इतने सीवरेज के इशू हैं, पानी के मसाइल हैं, तो वो लोग चाहते हैं हमें कोई ऐसा मुंतखब नुमाइंदा मिले जिसके ज़रिए हम अपना जो पैगाम है आला हुकाम तक पहुँचाएँ और उसका अजाला किया जाए, फौरी तौर पर हमारे मसाइल जो हैं वो हल किए जाएँ। साथ आपने बात की है कि SOPs की कोरोना वायरस के हवाले से बात की, तो वो कोरोना वायरस एक बार फिर जो है सर उठाने लगा है, चौथी लहर जो है डेल्टा वेरिएंट,
इस नाम से जो पाकिस्तान में दाखिल हो रही है, आपने देखा जैसा कि सिंध में भी लॉकडाउन का अमल जो है उसका आगाज़ कर दिया गया है मुकम्मल तौर पे, तो पंजाब में भी जो है इस चीज़ का नफाज किया जा रहा है। तो आवाम से बार बार हुकूमत की जानिब से, इंतजामी की जानिब से अपील की जा रही है कि एस ओ पीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जो है एस ओ पीज़ को मद्देनज़र रखें और तमाम जो है ताकि हम बड़े नुकसान से बचे जा सके। अब हमें भी चाहिए कि हम इंतजामी के लोगों के साथ तआवुन करें, ज़्यादा जो है रश में ना घुसें, ज़्यादा रश में ना जाएँ ताकि हम बड़े नुकसान से बचा जा सके। क्राइम के हवाले से बात की जाए तो आए रोज़ क्राइम में, क्राइम की शरह में इजाफा होता चला जा रहा है। एक तरफ देखा जाए पुलिस भी अमली इकदाम कर रही है, लेकिन मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ, महंगाई बेरोज़गारी ये चीज़ें जो नहीं है क्राइम में इजाफा करवा रही है। ज़ेर बात आपको पता है कि बेरोज़गारी और महंगाई में इतना इजाफा हो चुका है कि फिर लोग जो हैं क्या करें, वो इन्वॉल्व हो जाते हैं चोरी में, डकैतियों में, वो उनके पास जब खाने का पैगाम देना चाहेंगे। मैं अपने व्यूज़ को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि यार देखें मुश्किल वक्त है, हमें चाहिए कि सब्र का जो है लबादा ना छोड़ें, साथ दें, इर्द गिर्द के लोगों को देखें, जो लोग मुश्किलात से दो चार हैं उनकी मदद की जाए। हमने देखा कि कोरोना की जब पहली लहर थी तो हम सब ने बढ़ चढ़ कर एक दूसरे की मदद की। तो पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो दूसरों के लिए जीता है ज़िंदगी, यहाँ के लोग दूसरों के लिए जीते हैं ज़िंदगी। अब वक्त है, मुश्किल वक्त है, एक दूसरे का साथ दिया जाए ताकि हम एक कौम बन के पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन कर सकें। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं जैसा कि पहले भी 5 साल इसी वार्ड से, वार्ड नंबर 7 से, जो सबका 7 था अभी 9 नंबर वार्ड है, PMLN की तरफ से मेंबर कैंट बोल रहा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा रिस्पांस है लोगों का, लोग अभी भी हमारे साथ हैं, जहाँ पर भी जाते हैं लोग। उसकी वजह ये थी बेसिक, ये तो रूट क्रॉस लेवल के इलेक्शन हैं तो लोगों से हमारा डायरेक्ट वास्ता रहता है उनसे, तो वो लोग जिनके काम करवाए हैं ख़ास तौर पे जो बुनियादी उनकी जितनी भी ज़रूरतें थी जैसे गली, स्ट्रीट लाइट्स और जितनी भी रोड्स वगैरह, वो हमने बनवाई थी अपने दौर में, बहुत अच्छी डेवलपमेंट की थी और बड़े शॉर्ट टाइम में, तो इस वजह से लोग अभी भी हमारे साथ हैं सारे। अच्छा, लोगों का रिस्पांस कैसा है, जैसा कि आप पहले मीटिंग में जाते थे पिछले 5 साल में, उस 5 साल में क्या डिफरेंस है, क्योंकि अब आप अपोजिशन में, उस टाइम आप हुकूमत में थे। असल में उस टाइम तो लोगों को नहीं था पता, लेकिन अभी जो 3 साल की हुकूमती कारकर्दगी है उसकी वजह से लोगों का रिस्पांस हमें ज़्यादा मिल रहा है। उसकी बेसिक वजह महंगाई, और जितने भी 100% से ज़्यादा 3 सालों में महंगाई हो चुकी है, तो लोग जो गरीब लोग हैं वो बेचारे पिसे हुए हैं इसमें, और इस वक्त वो बहुत ही तंग है। पहले तो लोगों को एक चाम था कि जी नई हुकूमत आएगी तो शायद कुछ चेंज आएगा, जो कि चेंज के बजाय उनका अपना। ये बताइएगा कि जैसे पिछली दफ़ा इलेक्शन हुए थे कंट्रोलर बोर्ड के, चकलाला कंट्रोलर बोर्ड, पहली दफ़ा वहाँ पे अलग एक सीटें हुई थी, इस दफ़ा चकलाला के अलग कैंडिडेट हैं, पिंडी रावलपिंडी के अलग कैंडिडेट हैं, तो आप ये मुझे बताइएगा, पिछली दफ़ा तो 20 में से 19 नशस्तें आप लोगों ने हासिल कर ली थी, लेकिन इस दफ़ा क्योंकि आप अपोजिशन में हुकूमत में PTI है, आप क्या समझते हैं कैसा कांटेदार मुकाबला रहेगा, या कोई आप अपने तौर पे ये समझते हैं कि कोई दूसरी पार्टी ज़्यादा नशस्तें हासिल? जो गवर्नमेंट के हालात हैं, क्योंकि उन्होंने तो कुछ भी डिलीवर नहीं किया अभी तक, और स्पेशली हम लोगों का तो बिल्कुल हर बंदे से डायरेक्ट वास्ता होता है, तो उन्होंने तो अभी तक तो कुछ भी ऐसा डिलीवर नहीं किया कि जिसकी वजह से लोग जो थे भी, जो उनकी तरफ गए थे वोट डाल के, अब वो हमें अपने मुँह से खुद कह रहे हैं कि जी हम तो बड़े तंग आ, हमने बहुत बड़ी गलती की है, तो वो दोबारा उम्मीद तो है कि इंशाल्लाह अच्छे रिजल्ट्स हैं। मसला ये है कि ये इस वक्त तो मेरा ख्याल आप बल्दियाती इलेक्शन को ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, तो ये गली मोहल्ले के इलेक्शन होते हैं, इसका पार्टियों से ताल्लुक कम और ताल्लुक आपस में शख्सियात से ज़्यादा होता है। जमील के साथ खैर मेरे अपने बड़े अच्छे ताल्लुक आदमी हैं, लेकिन ये सिटिंग यहाँ पर मेंबर हैं और इसकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है, बड़ा काम शाम करता है इसी। हमारा एक मेन मसला जो होता है वो ये है कि नुमाइंदे मिलते नहीं हैं, लेकिन जमील हर वक्त अवेलेबल होता है, अगर ये ना हो तो उनके भाई होते हैं यहाँ पर दफ्तर है, तो ये कि छोटे मोटे कामों के लिए जो गली मोहल्ले काम होते हैं, जो हर किस्म के कामों में बड़ा एक्टिव है, तो इसलिए मैंने तो अपने तमाम पार्टी बेस पे अगर देखा जाए कौन सी पार्टी आप क्या पार्टी बेस पर मैं कुछ नहीं कह सकता, यहाँ पर दोनों पार्टी अब तकरीबन एक जैसी हैं, PTI और नून लीग भी, लेकिन PTI की कारकर्दगी के हवाले से क्या कहें? मैं तो मुतमईन हूँ, हाँ मैं बिल्कुल मुतमईन। क्राइम की शरह के हवाले से अगर बात, क्राइम पाकिस्तान में जब से बना है पाकिस्तान
क्राइम्स का यही हाल है, किसी पार्टी के साथ लेबल नहीं कर सकते। आपको ज़्यादा इसलिए नज़र आती है कि मीडिया ज़्यादा एक्टिव है, पहले इतना एक्टिव नहीं था, पता नहीं चलता था, लेकिन ये क्राइम वगैरह की शरह जो है ये जैसी हमेशा से थी वैसी ही है। जी मैं चकलाला कैंटोनमेंट बोर्ड डेरी हसनाबाद वार्ड 8 से उम्मीदवार हूँ PTI की तरफ से। और जैसा कि आपको पता है कि अभी तक तो कोई पार्टी ने टिकट वगैरह इशू नहीं किए हैं और मैं तो का उम्मीदवार हूँ। अच्छा ये बताइएगा कि आप इलेक्शन के लिए जा रहे हैं, लोगों का क्या रुझान है, क्या लोग जो है क्योंकि कोरोना की लहर भी है और आप क्या समझते हैं लोग जो हैं वो जा रहे हैं, रुझान है उनका वोट की तरफ, आप समझते हैं टर्न आउट ठीक रहेगा? जी इंशाल्लाह ताला अल्लाह के फजल व करम से मैं यहाँ से पहले भी एक जो पिछला इलेक्शन है मैं कॉन्टेस्ट कर चुका हूँ, तो कोरोना का तो है वाकई बड़ा पेचीदा मसला है, लेकिन उसके बावजूद लोगों का बड़ा अच्छा रिस्पांस है। जैसा कि आपको पता है कि अभी कश्मीर का भी इलेक्शन हुआ है तो वहाँ पे भी हमारी पार्टी ने जो है अक्सरियत। आप क्या समझे कश्मीर का इलेक्शन के साथ तक इफेक्ट करेगा ये वाले इलेक्शन? जी इंशाल्लाह ताला कश्मीर का इलेक्शन भी यहाँ पे बड़ा अच्छा उसका जो है वो इफेक्ट करेगा, उसका बड़े अच्छे उसके जो है वो नतज यहाँ पर भी बहुत अच्छे नतज निकलेंगे। और जैसा कि आपको पता है कि जैसा सियालकोट का जो इलेक्शन हुआ है, सियालकोट का इलेक्शन भी हमारी पार्टी ने बड़ी वाजह अक्सरियत से जीता है, तो इंशाल्लाह ताला इस दफ़ा भी, पिछली दफ़ा जो है वो काफ़ी जो है नून लीग ने जो है हमारे साथ बड़ा गेम की थी और इस दफ़ा इंशाल्लाह अल्लाह के फजल व करम से 20 की 20 वार्डें इंशाल्लाह ताला PTI विन करेगी। आप क्या समझते हैं मतलब ये चकलाला रावलपिंडी कंटोनमेंट बोर्ड की अगर बात कीजिए तो हुकूमत में है PTI इस वजह से जीत जाएगी या आवाम का रुझान है? सर आवाम का भी रुझान है और इंटरनेशनली भी आप खान साहब की विजन को आप देख ही रहे हैं, खान साहब जो इंटरनेशनली अपना रोल प्ले कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि हम लोगों ने यहाँ पे तरक्याती कामों के हवाले से हमने यहाँ पे आमिर महमूद कियानी साहब, राजब शारद साहब जो हमारे वज़ीर कानून भी हैं, आमिर महमूद कियानी साहब जो एक्स मिनिस्टर हैं, उन्होंने यहाँ पे हमारे कैंट में कामों के हवाले से यहाँ पे इतने 30 सालों में काम नहीं हुए जो इतने 3 सालों में हमने यहाँ पे काम। आप अगर बात की जाए इलेक्शन में रावलपिंडी में कौन सी पार्टी ज़्यादा अक्सरियत में नजर आ रही है? अक्सरियत में देखें जी कि गवर्नमेंट है हमारी PTI की, मैं भी PTI का वर्कर हूँ, मान चौकस साहब मेरे छोटे भाई हैं। कामों के हवाले से देखे जाएँ तो आप पूरी पिंडी में देख लें, शेख रशीद साहब ने आज जो मैं TV पे देख रहा था कि वो नाला लई के बारे में बड़े मुतफक्कर थे और नाला लई के अगर वो एक्सप्रेसवे बन जाता है तो मेरे ख्याल में डेरी क्या कहते हैं जो है पिंडी के ये मेन काम है सर, जो ट्रैफिक के मसाइल हैं और जो भी हैं। इसके अलावा अगर आप कामों के हवाले से देखें तो मेरा भी वार्ड 8 से ही तल्लक है, मैं भी PTI का वर्कर हूँ, उनके साथ भाई हैं मेरे छोटे, तो कामों के हवाले से डिस्पेंसरी है हमारे इधर डेरी हसनाबाद में जो कि 70 साल से एक नॉर्मल सा जो यानी कि 5-10 रुपये फीस लेकर वहाँ को डॉक्टर होता था कुछ भी नहीं, वहाँ पर हमारे जो हैं MNA और MNA आमिर महमूद कियानी साहब और राजा बशारत साहब, उन्होंने वो डिस्पेंसरी जच्चा बच्चा सेंटर मंजूर हो गया वहाँ पर इंशाल्लाह। और वो चंद दिनों तो में आपके कहने का मतलब है कि MNA MP और मिनिस्टर की सरप्रस्ती में ये लोग काम करेंगे? बिल्कुल काम करेंगे हम, और हमारे जिस तरह हमारा खान साहब का विजन है कि हमने लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कर रही हैं, 40 साल से हमारे इधर डेरी हसनाबाद में गैस नहीं आती थी, चौधरी नुमान शौकत ने और हमने मिलकर सब ने भाइयों ने और कियानी साहब ने खसूसी मेहरबानी की हमारे ऊपर, लेटर बना के दी हम गए और वो जो 40 साल पुरानी जो हमारे इलाकों में गैस नहीं आती थी वो बहाल हो गई है और गैस आती है, गर्मियों में यकीन करें गैस नहीं आती थी। पानी का एक इशू है, जो पानी का इशू है वो भी इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं, नुमान और हम सारे जितने वर्कर हैं हम सारे कोशिश कर रहे हैं और इंशाल्लाह आमिर महमूद कियानी साहब की क़यादत में और राजा बशारत साहब की क़यादत में ये काम होंगे और ये काम होंगे तो आवाम खुशहाल होगी। जिस तरह आप ये हरले स्ट्रीट का रोड देख रहे हैं इसी तरह डेरी हसनाबाद के रोड्स भी मंजूर हो चुके हैं माशाल्लाह, इसमें डेरी हसनाबाद के हमारे वार्ड 8 के रोड्स हैं वो तमाम पे सेवरेज जो है ना वो दोनों साइड में सेवरेज पर इंशाल्लाह डलेगी और इसी तरह जो है वो टफ टाइल्स वगैरह लगेंगी और तरक्याती काम के वाले से, यानी कि पूरी डेरी यानी कि हमारे वार्ड में मैंने 51 ईयर्स मेरी एज है, मैंने इतने काम होते हुए नहीं देखे जितनी हमारी पार्टी ने इस इलाके में काम करवाए हैं माशाल्लाह, सब वार्ड्स में करवाएं, एक आप वार्ड भी नहीं, अब ये अर्ली स्ट्रीट देख लें, इनके सड़कें देख लें, ललकुर्ती चले जाएँ, किसी भी 1, 2, 3, 4, 10 वार्ड हैं चकलाला कैंड किसी में जाएँ तो आपको वहाँ काम बेताशा काम नज़र आएंगे जो हमारी पार्टी ने करवाए हैं। इस 3 साल के अंदर लोगों को जो तब्दीली का जो एक जुनून चढ़ा हुआ था वो आहिस्ता आहिस्ता लोगों को उतरना शुरू हो गया और लोगों को एहसास हो गया कि उन्होंने एक बुलशिट की है, सिर्फ गलती नहीं एक बुलशिट की हुई है जो अब उनको बर्दाश्त भी करना पड़ रही है और उसकी वजह से उनको। तो आप मुस्लिम लीग नवाज के सपोर्टर हैं इस वजह से कह रहे हैं, लेकिन अगर मुस्लिम PTI वालों से पूछें वो कहते हैं इमरान खान साहब से अच्छा लीडर कोई आएगी? देखें
खान साहब बहुत अच्छे लीडर होंगे, मैंने उनको उनकी ज़ाती तौर पे मैं उनको उनके ऊपर कोई बात नहीं करना चाहता, लेकिन उनकी अगर पॉलिसीज़ के ऊपर बात करें तो मुझे आप एक आम आदमी की हैसियत से, ये आपके कैमरामैन खड़े हैं, इनसे पूछ लें अगर इनका बजट ठीक चल रहा है तो मैं भी इनको तो तनख्वाह मिल रही है। नहीं तनख्वाह सिर्फ तनख्वाह से मैं भी सैलरी बेस्ड हूँ, लेकिन उसमें यह नहीं होता कि सैलरी के अंदर जिस तरह आम लोगों का गुजारा नहीं हो रहा, आपका बजट जो था वो अगर लेट सपोज अगर आपने 20,000 रुपये कोरोना की वार नहीं, कोरोना का पाकिस्तान के ऊपर इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं, पाकिस्तान ने तो बड़ा अच्छी एक मत अमली 2018 के अंदर कोरोना का कौन सा इम्पैक्ट था, 2019 के अंदर कोरोना का कौन सा इम्पैक्ट था, 2020 में स्टार्ट हुआ कोरोना, तो उसमें तो आपका कोरोना का इम्पैक्ट ही नहीं है जी। आपने यहाँ पे आप जब हमने रावलपिंडी का रुख किया, आवाम की दिलचस्प गुफ्तगू सुनी, बेसिकली मोटिव ये है कि पाकिस्तान के बारे में सोचना चाहिए, पार्टी के बारे में कम सोचें, पाकिस्तान के बारे में सोचें और देखें कि पाकिस्तान के हवाले से कौन अच्छी कारकर्दगी कर सकते हैं, सब मिलजुल के काम करेंगे तो पाकिस्तान के बारे में बेहतर सोचा जा सकता है। उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। आपका होस्ट फहद अल्ताफ आपसे इजाज़त चाहता है, अल्लाह हाफिज़।